सियासत की लड़ाई अब मूर्ख के सरदार पर आई और सवाल यह कि आखिरकार मूर्खों का सरदार है कौन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैतूल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे। वो हमेशा की तरह चुनावी लय में थे और चुनावी लय में बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी तंज कसे गए। पीएम ने राहुल गांधी के मेड इन चाइना फोन वाले बयान पर कहा, कल कांग्रेस के एक महाज्ञानी जो है वो कह रहे थे कि भारत में सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है, और फिर उसके बाद बोले, अरे मूर्खों के सरदार किस दुनिया में रहते हो, मूर्खों के सरदार। अब इसको लेकर कांग्रेस बिफर गई। कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धि दिखाई नहीं देती, यह जिक्र देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मानसिक बीमार है कांग्रेस, जबकि सच्चाई यह है कि आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। 5 राज्यों में चुनावी घमासान छिड़ा हुआ है, वार भी है, पलटवार भी है, लेकिन पीएम मोदी की ताकत ये आर पार वाली सियासत है। मगर सवाल यह कि पीएम मोदी का जो प्रहार है, कौन है मूर्खों का सरदार। आखिरी दौर का चुनाव प्रचार चल रहा है, सियासत की लड़ाई अपने शबाब पर है। कांग्रेस अब पीएम पर सियासी हमला बोल रही है। पीएम ने भी जहां वार किया कि यह मोदी की गारंटी है, उस गारंटी के आगे कोई नहीं टिकेगा, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, और ये मोदी को बदनाम करना चाहते हैं। कांग्रेस हार मान चुकी है, पीएम दावा कर रहे हैं, मगर इस बीच राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, व्यापम में युवाओं के साथ भ्रष्टाचार हुआ, घोटाला हुआ, और पटवारी घोटाले का भी जिक्र राहुल गांधी इस दरमियान कर रहे हैं। यानी दोनों तरफ से वार और पलटवार हो रहे हैं। कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ना, कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग। कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का मोबाइल तो भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। चुनाव के समय जिन्हें मेक इन इंडिया की बात याद आती हो, वो स्वदेशी के महत्व को कभी समझ ही नहीं सकते। मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना, आपने आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। राहुल बाबा को भी किसी ने भाषण लिख कर दे दिया है कि ओबीसी बोलने से, पिछड़ा वर्ग की बात करने से ज्यादा वोट मिलते हैं, तो राहुल बाबा बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे। मैं राहुल बाबा को कहने आया हूं, कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग की विरोधी। आजकल राम बड़े प्यारे हो गए, कोई बोलता है मैं जनेऊधारी हूं, ये मालूम नहीं कि जनेऊ इधर से पहनना या इधर से पहनना। कि अभी नए नए भगवान राम के शरण में गए हैं, इसलिए मालूम नहीं है कि राम ने वनवास कितने साल का किया था। राम मोदी तो बीजेपी न आए, राम राम तो बीजेपी को पार्टी न आए, मोदी राम निर्वाचनी पन्न
भारतवर्षर मानुषर राम से भक्तिर पण्य आज सीख लेते आप पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री से कि भाषा अटल जी से सीखते, इंदिरा जी से सीखते, शास्त्री जी से सीखते, भारत के प्रधानमंत्री के भाषण कैसे होने चाहिए। तो यानी वार भी है और पलटवार भी है। सियासत में एक शोर है, वो भी बयान का, कि मूर्खों का सरदार कौन है। सीधा रुक कर रहे हैं, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ अनीता अग्रवाल, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक है। चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक है। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा समाजवादी पार्टी के महेश आर्य जी बन चुके हैं। साथ ही पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार है, न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनीता जी, कौन है मूर्खों का सरदार? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये असल में अपनी बात जान रहे हैं। जब उनकी सरकार थी तब ये मेड इन चाइना बहुत चलता था और चाइना के लिए बड़ा प्रयास है इनका, और आज का नहीं है, बहुत पुराना प्रेम है। तो इनको यही लगता है कि हर चीज चाइना से ही, हर चीज चाइना से। इनको ये नहीं मालूम कि भारत अब बहुत आगे बढ़ चुका है। अब भारत में ऐसे मोबाइल है जो भारत बाहर विदेशों में भेजता है, आज उसकी गिरना, आज भारत अलग से कम उनको इतना ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वो एक कम से कम अपने राहुल गांधी है या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बुनियादी मुद्दे। देखिए, बुनियादी मुद्दे या कुछ हमारे केवल ये है कि उनका जो भाषण था कि आप कमीज के शर्ट के नीचे देखिए, आप जूतों पे देखिए, आप मोबाइल के पीछे देखिए, आप ये देखिए, सब पे मेडियन से उनको वो कहना चाह ये है कि उनको कुछ इस विषय में मालूम ही नहीं है कि भारत कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है, इसका कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा, इसलिए मतलब आप अच्छा ये बताइए, आपका किस मोबाइल के पीछे मेड इन चाइना लिखा है? आप लोग देखिए, आपके मोबाइल के पीछे है कि नहीं? नहीं, मेरे मोबाइल के पीछे तो नहीं है। नहीं है, आप लोग अपने मोबाइल ना, आप लोग अपने मोबाइल से चेक कर लीजिए कहाँ लिखा है मेड, और जो हम लोग ने शर्ट पहनी कहाँ लिखा है मेड इन चाइना, जो हम लोग चप्पल पहने कहाँ लिखा है मेड इन चाइना। अब उनको असल में चाइना से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, आज का नहीं, बहुत समय का प्रेम चला रहा है। तो अच्छा, अभी वो मेड इन चाइना वाले बयान पे मैं आता हूँ। खैर, शर्मा जी, वो कह रहे हैं सबको मालूम है मूर्खों का सरदार कौन है, और ये कह रहे हैं मेड इन चाइना कहाँ लिखा, वो बताइए आपके फोन में लिखा है मेड इन चाइना? देखिए तिलक भाई, मुझे तो पता ही नहीं किसने कहा ये इतना बड़ा बयान, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि एक सरदार आया था 2014 में जो ये कह रहा था कि डीजल 36 रुपए हो जाएगा, ये कहा था 15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे, स्मार्ट ट्रेनें आ जाएंगी, बहुत सारे कहा थे। अब मुझे ये नहीं पता कि जिसने आज कहा है वो उसने उसको कहा है कि वो मूर्खों का सरदार है, बाकी तो मेरे को सुना नहीं, मैं क्या कहा है, क्योंकि मैं ज्यादा इन चीजों को ध्यान नहीं देता। लेकिन हाँ एक बात जरूर मुझे इस बात वक्तव्य से ध्यान आ गई कि ये बात और क्लियर होगी आज कि एक लकीर जो देश के अंदर राहुल गांधी खींचते हैं उसके ऊपर जो मूर्खों के सरदार जो कहा है, जिसने भी कहा, मुझे नहीं पता किसने कहा है, लेकिन वो उसी लकीर पे चल पड़ते हैं, क्योंकि उनकी अपनी मानसिक बुद्धि राजनीतिक की नहीं है, वो बहुत छोटी बुद्धि है, और इसीलिए वो प्रमाणित करते नहीं। तो फिर मेड इन एमपी कहां लिखवा दोगे आप? कह रहे हो ना मेड इन मध्य प्रदेश लिखवा देंगे, कहां लिखवाओगे? मैं आपकी बात का मध्य प्रदेश में लिखा बात, तो मुझे ये नहीं पता चला कि नहीं, नहीं, राहुल कह रहे हैं मेड इन मध्य प्रदेश लिखवा देंगे, ले दिया तो मेड इन मध्य प्रदेश लिखवाओगे, मेड इन इंडिया लिखवाओगे, दोनों अलग अलग आते हैं, मेड इन इंडिया या मेड इन मध्य प्रदेश, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मेड इन इंडिया और मेड इन मध्य प्रदेश के अंदर कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अगर कोई फर्क नहीं, एक देश के अंदर एक स्टेट के लोगों के पास जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बन के जाती है वो उनको गौरवान्वित होती है, वो मेड इन इंडिया लिखते हैं, मेड इन हिंदुस्तान लिखते हैं, लेकिन वो बनी कहां के जाती है, वो स्टेट से बन के जाती है। जो जिसकी सोच देश के प्रति होगी वो अपने देश की भाषाओं, अपने देश के राज्यों की बात करेगा, जिसकी सोच दो पूंजीपतियों के लिए होगी वो अपनी पूंजीपतियों की बात करेगा। अब प्रश्न तो आपकी डिबेट पर यह उठता है कि यह मूर्ख शब्द है कहां और कहां किसके लिए गया है, ये मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूं आपके व्यूअर्स को कि ये सोचे कि मूर्ख कहने वाला मूर्ख है या जिसको कहा जा रहा है वो मूर्ख है। अनीता जी, ये क्लियर है कि जो राजनीति के अंदर लकीर खींच रहा है आज की डेट में वो जननायक राहुल गांधी है,
और उस लकीर के ऊपर राजनीति करने वाले वो लोग हैं जो अपने आप को 2014, 2019 से लेके 24 के अंदर नहीं, मैं उस लकीर पे भी आऊंगा, मैं उस लकीर पे भी आऊंगा, इसलिए मैंने, आप सोच रहे होंगे कि महेश जी आमंत्रित हैं, उसके पीछे वजह क्या है वो बताऊंगा, जिस लकीर की आप जी, जी सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस के नेता बहुत अच्छे अच्छे भाषण देते, इसमें कोई दो राय नहीं, कि लोग मंदिर में जाते हैं छेड़ने के लिए जाते हैं लोग, मतलब उनके जो भाषण है बड़े दिलचस्प होते हैं, सदन के अंदर वो किसी को आग भी मार देते हैं, गले भी लग जाते हैं, मतलब जनता जानती है कि वो किस टाइप के भाषण देते हैं, क्या करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी लोग मोदी जी को कितनी गालियां देते हैं, यहाँ तक कि देश की सेना, बीजेपी का इंटरेस्ट राहुल गांधी में क्यों है? नहीं नहीं, दरअसल राहुल गांधी में इतना इंटरेस्ट क्यों है बीजेपी को? नहीं नहीं, किसी में कोई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक बात है, जो अपने को एक बड़ा नेता मानते हैं कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, नहीं तो आप कह रहे हो तरफ इंटरेस्ट नहीं है, वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, आप कहते हैं कंटेनर देखो, वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, आप कहते हैं इनके जूते देखो, वो कहते हो कि भैया उनकी दाढ़ी देखो, फिर कहते हो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना ना, भारत जोड़ो यात्रा में सबने देखा है कि कितना भाई बहन का प्रेम था, आपस में खेल रहे थे, बढ़िया था, अच्छा लग रहा था सबको, मतलब सब अच्छे, मतलब उसका एंजॉय किया सबने, जिससे जोड़ो यात्रा पे भारत जोड़ो, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, भाई बहन है हमारे यहाँ की दिलचस्प लोग हैं दोनों, और दोनों के लिए अच्छा इंटरेस्ट होता है, सब लोग जनता बड़ी खुश होती है उनको देख के, और हम लोग भी बड़े खुश होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम इनको जो भाषण होते हैं मोदी जी को हर बात, इन्होंने मैंने देश की सेना को नहीं छोड़ा, डॉक्टर्स को नहीं छोड़ा, देश के किसी व्यक्ति को इन्होंने छोड़ा है, तो आप ये बताइए प्रधानमंत्री ने जो इतना 9 साल में कार्य किया है, भारत को विश्व में सबसे आगे जाकर खड़ा कर दिया है, आज जो भारत का इतना नाम हो रहा है, इनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, इनको पता है, और सबसे बड़ी बात है मोदी जी को हर समय गाली देना, क्योंकि सोने का चम्मच लेके तो मोदी जी आए नहीं है, ये राहुल बाबा सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, इनको क्या मालूम कैसे देश चलता है, कैसे किसान चलता है, रहते हैं, कैसे जनता रहती है, कैसे गरीबी होती है, कैसे गरीबियों का संसार चलता है, उनको ऐसा कुछ नहीं मालूम। ठीक, यानी आप ये कह रहे हैं कि जनता जानती है मूर्खों का सरदार कौन है। एक मिनट महेश जी, मैं पहले मूर्खों के सरदार पे आता हूं, फिर उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग मुद्दा है जो इस चर्चा में आना चाहिए मुझे लगता है। ये आपकी क्या राय है मूर्खों के सरदार वाले विषय पर? देखिए, ये हमारे देश की बहुत पुरानी कहावत है कि जो जैसा होता है उसको वैसा ही नजर आता है। मैं समझता हूँ जिसके पास जितना ज्ञान होता है उससे ज्यादा वो आगे जा नहीं सकता। 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने जो वादे किए, आज भी उनके पास डिलीवर करने के लिए कुछ भी नहीं है, जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। अगर कोई जनता सवाल मांगती है तो उनको मूर्ख कह सकते हैं, कुछ भी सकते हैं, बहुत बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि देश की जनता ने ही उनको इस काबिल बनाया है कि उनकी हैसियत जो है चाहे बेचने के बाद की, वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं, उनकी पार्टी बोलती थी, लेकिन आज वो बहुत देश के बहुत बड़े स्तर के लीडर है, लेकिन देश पे सवाल आज भी जीव का तेज बना हुआ है। वो देश के राजा से पूछना चाहते हैं कि कल दीपावली का पर्व मनाया गया और अयोध्या में पूरा कितना भव्य पता नहीं क्या क्या जनता दिखाने की कोशिश की गई, और ऐसा लग रहा था तिलक जी कि जैसे अब पूरा अब सब कुछ हो गया, उद्धार हो गया, पूरे देश में राम राज कायम हो गया, लेकिन वही हो तो तस्वीरें भी आपने देखी होगी मीडिया में, जो बेचारे उस दीपक के बुझा करके एक एक बूंद इकट्ठा करके अपने जीव को चलाने का प्रयास कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति पूछ के कौन है, जिम्मेदारी किसने लिए इस चीज को समझने के लिए? आज भी 83 करोड़ के लोगों के हाथों में ये अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी बताते हैं। यानी आप ये कह रहे हो कि अयोध्या में दीप उत्सव नहीं होना चाहिए था, राइट? मूर्ख वही है। अच्छा, तो ये दीप उत्सव नहीं होना चाहिए था, आपका ये स्टैंड है, ये बेकार है, दीप उत्सव नहीं होना चाहिए अयोध्या में। ये नहीं, आप गलत इंटरप्रेट करते हैं तिलक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने किया है उससे पहले उन गरीबों की तो दीवाली मनवाते, उनको पूछे के उन दीपक को जब सफाई में उत्सव होता था तब 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 राम राज्य था बताएगी, जब सफाई में वो जो मॉडल्स और बॉलीवुड हस्तियां नाचा करती थी, डिस्को डांस करती थी, वो तब जो है राम राज्य था। तिलक जी आप आ जाइए, पार्टी की मेंबरशिप ले लीजिए और कर लीजिए, अगर आप महेश जी कर रहे हैं, महेश जी मेरा काम सवाल पूछना है, ये जो सर्टिफिकेट है ना महेश जी, या तो सवाल पसंद नहीं आया तो बोले कि मुझे सवाल नहीं पसंद आया, तो मैं सवाल दूसरा पूछूंगा आपसे। नहीं पसंद आया, कोई भी सवाल पूछे ना, ये सर्टिफिकेट मत बांटो,
जो सवाल आपको पूछा जाना चाहिए, महेश जी जो सवाल है वो सवाल पूछूंगा, आप सवाल का जवाब दीजिए, हमारे हम सवाल का जवाब देंगे। हाँ, मेरे सवाल का जवाब भाजपा दे या उनकी तरफ से आप दे दीजिए, मैं तैयार हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि दिवाली मनाएगी कोई बुराई नहीं है, वो हमारा फेस्टिवल है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ खर्चा किया गया और गरीबी की हालत देखिए, वहाँ पर एक एक बूंद वहाँ से लेते हुए लोगों देखे गए, और उससे जब पूछा गया सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि हमारे जीविका के लिए काम आएगा, तो भाई घर में नहीं है दाने अम्बाजी बुलाने, उनसे पूछे राजाओं से पूछे, फिर आपको राजा नहीं बनाया गया, आपको देश का सेवक बनाया गया, देश की सेवा करने के लिए बनाया गया, आपने दुगनी आय किसानों के लिए बोला था लेकिन दुगनी आय नहीं कर पाए, आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, आज बेरोजगार आत्महत्या करने को मजबूर है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, 750 किसान बॉर्डर पर जो मौत की घाट उतर गए उनके बारे में आज तक नहीं सोचा गया। तो तिलक भाई सच्चाई ये है कि झूठे वादे और झूठे आदेश और झूठे सपने दिखा करके कहां ले जाना चाहते हैं। महेश जी आप बहुत काबिल प्रवक्ता है, एक मिनट अनिता जी, एक मिनट जी, आप बहुत काबिल प्रवक्ता है, आपने शुरू में एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी, जिसके पास जितना ज्ञान होता है वो उतनी ही बात करता है, निश्चित रूप से सबके ऊपर। एक मिनट सर, एक मिनट, पूरी बात आ जाए, बाजी सी बात है, सवाल तर्कों से काटे जाए तो बेहतर है, वरना सर्टिफिकेट तो यूं फट जाते हैं सर, है ना। सवाल मेरा यह था, आपने अयोध्या का जिक्र कर लिया, मुद्दे पर मैं आ रहा था जी। तो इस बार अखिलेश यादव रामलला जाएंगे कि नहीं माथा टेकने? देखिए एक मैं सवाल आपसे, आपके इस सवाल के माध्यम से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहता हूं सर, कि रामलला जो है कोई किसी की वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, वो बिल्कुल नहीं है, राम सबके हैं, वो किसी के जो माने वो सबके राम है, वरना फिर कॉपीराइट नहीं कराया किसी ने, तो कॉपीराइट किसी के नहीं हमारे, वरना फिर स्वामी प्रसाद मौर्य तो सब जहां में बहुत है, हम जहां चाहेंगे इस जहां में, वरना स्वामी प्रसाद मौर्य तो बहुत है, वो जो है ना दिखाई नहीं पड़ता, आदर्श है। ठीक है, आपने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया, अब मैं आता हूं मुद्दे पर, एक मिनट अब आता हूं मैं मुद्दे पर, क्योंकि मसला यही था, वो कह रहे मूर्खों के सरदार, किसी ने और कुछ भी कहा, अब एक कहानी और आगे बढ़ गई है, आपके सर्वे सर्वा पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का एक बयान आया है, इजाजत है सर सुना दूं? हाँ सुना, आपने बताया कि अखिलेश यादव जाएंगे नहीं जाएंगे अयोध्या, वो एक अलग विषय है रामलला के माथा टेक, लेकिन यहां मसला दूसरा है, प्लीज जरा अपने सहयोगी से चाहूंगा, अखिलेश यादव जी का बयान है, जरा महेश जी को और चंद्रमोहन शर्मा जी को सुनाइएगा, प्लीज प्ले करिए। जिस समय एक्सरे होना था वो एक्सरे का समय था, आज सिटी स्कैन है, एमआरआई मशीन है, बीमारी और बड़ी हो गई है, जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस समय, अगर उस समय ही समाधान हो गया होता तो शायद समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती कि 5% में 5% लोगों पर 60% वेल्थ भारत की उनके हाथ में चली गई। कोई कल्पना कर सकता है कि भारत इतना बड़ा देश, 140 करोड़ आबादी का देश, और 5% लोगों पर पूरी की पूरी धन दौलत हो देश की, तो ये किसने किया? ये पुरानी सरकारें जो थीं, उनकी गलत नीतियों के कारण थीं। जब एक्सरे करना था तब एक्सरे किया नहीं तो बीमारी बढ़ गई, आज MRI सीटी स्कैन की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा सबसे पहले जातिगणना कराई जाएगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जातिगणना नहीं कराई, लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जातिगणना की, तो कांग्रेस पार्टी ने जातिगणना नहीं कराई। आज क्यों जातिगणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है, वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं, पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली है। जिस समय महेश जी कांग्रेस ने धोखा दिया, आपके अध्यक्ष कह रहे हैं दिया धोखा, देखिए सच्चाई ये है कि जो उन्होंने ये जो बोला है आज सेंसस को लेकर के बोला है, और निश्चित रूप से बिल्कुल कटु सत्य बोला है, और वो सत्य ऐसा सत्य है। तो कांग्रेस धोखेबाज क्यों है? नहीं कांग्रेस का देखिए नो डाउट, कांग्रेस और बीजेपी में बहुत बड़ा अंतर नहीं रहा, नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ, अखिलेश जी कह रहे थे जो कांग्रेस है वो बीजेपी है, जो बीजेपी वो कांग्रेस है, उन्होंने पार किया गया होता तो आज नौबत नहीं आती। काज सेंसस बहुत जरूरी, लंबे समय से मांग की जा रही है, और हम समाजवादियों ने तो हमेशा से मांग की है, एक लंबे अरसे से मांग करते थे। चंद्रमोहन शर्मा जी
आप इतने बड़े धोखेबाज क्यों हैं अकॉर्डिंग टू अखिलेश यादव? ओके महेश जी एक मिनट, आपकी बात आ गई, मैं अभी उसी के पास नहीं गया, एक मिनट चंद्रमोहन जी बात, क्यों इतने बड़े धोखेबाज जो अखिलेश यादव हर मंच पर आपको धोखेबाज बोल रहे हैं? वो छोड़ दीजिए जो पुराना मसला गया जरा जी वाला, अखिलेश जी का जो बयान है वो अपना बयान है, उससे कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं है। आपका सरोकार हो नहीं सकता। 2011 में जाति जनगणना के ऊपर कांग्रेस ने काम करा था और कुछ यही क्षेत्रीय पार्टी थी जो कभी सहयोग कर रही थी, उसमें भाजपा भी थी और सपा भी थी जो बीजेपी को सहयोग कर रहे थे जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। तो उन विषयों के ऊपर अगर आज क्षेत्रीय पार्टियां किसी जगह किसी स्टेट इलेक्शन के ऊपर आके कांग्रेस के लिए वक्तव्य रखती है तो मेरे ख्याल वो दूषित है। और ये कह देना कि बीजेपी से मिलती जुलती कांग्रेस की मानसिकता है तो नहीं, वो तो बोल रहे हैं आप बीटी में कह रहे जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, वो ये कह रहे हैं, वो तो एक अलग विषय हो गया। ये कह रहे हैं कि ये वोट बैंक की सियासत है इसलिए हर मंच से राहुल गांधी जो है ओबीसी कितने वो बताओ, वो पूछ रहे हैं, इसलिए उसका स्पष्टीकरण तो अखिलेश यादव जी देंगे। हमारे अखिलेश यादव स्पष्टीकरण क्यों देंगे? वो तो कह रहे हो आप जनगणना की आवाज उठाई है, उस आवाज के लिए देश की हर पार्टी को साथ आना चाहिए जो आज देश की जरूरत है। और उसके ऊपर अखिलेश जी अगर इधर उधर की बगिया झांकते हैं और ये बात करते हैं तो उसका जवाब तो अखिलेश जी देंगे। क्यों अखिलेश जी, वो तो कह रहे हैं जब आप झूठे। हमने तो 2011 में करा था, उसके बाद बीजेपी शूट हो गई थी। अच्छा अच्छा, 2011 के बाद सीधा 14 में बीजेपी आ गई थी, ठीक। महेश जी क्विक रिएक्शन, फिर मैं पीयूष जी को पूरा वक्त दूंगा। देखिए ऐसा है कि मैं वैसे कांग्रेस की जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बोला है वो बिल्कुल उसके तर्क के आधार पर बोला है। अगर काश सेंसस पहले कराए थे, अगर कांग्रेस ने कर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती और हम लोगों को डिमांड नहीं करनी पड़ती। रही बात दो सवाल और उससे जवाब देना चाहता हूँ कि एक तो जो अयोध्या मंदिर जाने का सवाल है, तो देखिए जो भारतीय जनता पार्टी तो उन्होंने पूरा कॉपीराइट करा के रखा है। जब हमारे अखिलेश यादव जी जा रहे थे मंदिर में तो भगवाधारियों ने रास्ते को रोका और निश्चित रूप से आज भी मंदिरों में दलितों का पिछड़ों का शूद्रों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। उसमें क्या बोलते हैं केशव प्रसाद मौर्य तक को इनवाइट किया गया। एक मंदिर बताओ जहां पर आधार कार्ड चेक होता हो महेश जी, एक मंदिर का नाम बताओ जहां आधार कार्ड चेक होकर अंदर घुसाया जाता हो, कहा जाता हो पहले आधार कार्ड दिखाओ फिर उसके बाद आपकी एंट्री होगी अंदर, कोई है मंदिर ऐसा? बात ऐसा नहीं है, बात यह है कि पिछड़ों को एंट्री नहीं दी जाती। क्या गजब खेल खेलते हैं आप भी। जो मानसिकता बीमार मानसिकता के जो लोग सत्ता पे जब बैठ जाते हैं, देश ने देखा महेश जी हनुमानगढ़ी से गाड़ी यू टर्न हो गई थी, भगवान को भी हनुमानगढ़ी से यू टर्न हो गई थी गाड़ी, उसके आगे नहीं गई हनुमानगढ़ी से आगे, भगवान में भी जाति वर्गीकरण। अच्छा महेश जी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ठीक है महेश जी अगर केशव आपके जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं है ना जी, जो भगवानों को लेकर ऐसा लगता है कि वो पता नहीं किसकी भाषा बोल रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है, ये वही थे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, माथा टेकते थे सबके आगे, और ये वही थे जब अनीता जी के साथ थे तो बोलते थे जय श्री राम, सबसे ज्यादा उछल के बोलते थे, और आज आप हंस रहे हैं, पार्टी को पलीता लगा रहे हैं आपकी, लिख लीजिए। अगर आप मानते नहीं है तो आपको लगता है अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे विद्वान आपकी पार्टी में है तो फिर आप आपकी बल्ले बल्ले, ठीक। पीयूष जी एक दिन बर्थडे से हमारी पार्टी ने इस बात के कभी सहमति नहीं जताई है। अच्छा तो बिना सहमति के इतना बोल रहे हैं प्रसाद मौर्य जी का बयान अपना है, ठीक है, लेकिन ऐसे 10 स्वामी प्रसाद मौर्य और रख लीजिए सर, उन्होंने उनके उनके बयान का जवाब भी तो नहीं मिल पाया। अगर मैं समझता हूँ अगर आप अगर आपको लगता है लक्ष्मी जी की चार भुजाओं को लेकर अगर उनका उनकी बात वैलिड है तो तर्कों पर तो बहस हो सकती है, कुतर्कों पर नहीं हो सकती सर। नहीं उनसे संतुष्ट हो जाएंगे, उनसे विमर्श कर लीजिए। माँ लक्ष्मी को लेकर अगर आप लोगों की सोच यही है तो फिर तो कोई बहस ही नहीं है। मंडलेश्वर लोग हैं, स्वामी अपने आप डिग्रियां लिख लेते हैं सर, बैठ के लेटेस्ट वाला सुना है लेटेस्ट वाला जो दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को लेकर जो उन्होंने लिखा है वो लेटेस्ट वाला देखा है सुना है आपने? नहीं सुना भी है लेटर नहीं तो हम आपसे देख। अगर आप कहते हो कि मैं उससे सहमत हूं तो बोल दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैंने पहले पार्टी ने कभी सहमति असहमति नहीं बताई, व्यक्तिगत आ जाती है सर, कि हमारा संविधान बहुत सहमति बहुत बड़ी सहमति होती है। मेरा सवाल ये है कि जिनको ऐतराज अगर है तो उनको बुला करके बड़े बड़े मंडलेश्वर और मठाधीश जो भी उसके हैं बहुत अच्छे, आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो खुद चुनाव हार गए बहुत अच्छे बहुत बड़े नेता हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उनको बोलिए और बोले, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना।
उनको बोले और बोले रोज बोले उनकी बात से सहमति नहीं प्रकट कर रहे हैं पीयूष जी, हमारी कोई सहमति हम तो आस्था रखते हैं। नहीं सर, कौन सी आस्था, वो बता रहे माँ लक्ष्मी के बारे में ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं। एक मिनट पीयूष जी, सब जगह है, जब हम जाते हैं तो मंदिर के भगवान के भक्त शूद्र भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, ओबीसी होता है, जनरल भी, एक कास्ट विशेष का जो लंबे हजारों साल से वही उसका ठेकेदार क्यों बना बैठा है, वो भक्तों के भगवान के बीच का एजेंट का काम क्यों करता है, सवाल नहीं पूछे जाना चाहिए। मैं धर्म संसद लगाऊंगा तो आपको आमंत्रित करूंगा, मैं अभी उस विषय में नहीं जा रहा हूं। अगर आप सहमत हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, आप बोल रहे हैं आप सहमत हैं, आपकी पार्टी सहमत है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हमेशा हमारी पार्टी ने इसका वो किया है, खंडन किया कि ना हम सहमत हैं ना असहमत हैं। अच्छा, ना सहमत है ना असहमत है, पता नहीं कौन सी सहमति असहमति। ओके पीयूष जी, महेश जी एक मिनट, चैनल पे बुला लीजिए उनको। महेश जी एक मिनट, आपकी अपनी जिज्ञासा पूरी कर दीजिए उनको। एक मिनट सर, सर वो अपनी जिज्ञासा पूरी करें, मेरे को क्या दिक्कत है सर, आप लोग बड़े नेता हैं, जिन्होंने सवाल किया उनसे जिज्ञासा, सवाल उनका है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि आपके नेता हैं तो इसलिए आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुझे मालूम नहीं था कि वो व्यक्ति विशेष है। पीयूष जी, ये जो सियासत हो रही है, मुद्दों के इर्द गिर्द जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी, राज्यों के तमाम मुद्दों को छोड़कर दुनिया जहां के सारे मुद्दे हैं, एक कहता है कि पहले मुझे जात बताओ किस जात के हो, दूसरा कहता है कि राम मंदिर हम बनवा रहे हमें वोट करो, मुद्दों गौण हो चुके हैं कि नहीं पीयूष जी, अब बात मूर्खों के सरदार पर आ गई। देखिए बिल्कुल एकदम से जो है कि पूरा का पूरा जो डिस्कोर्स होना चाहिए था, और खासकर जब आप जनता को एड्रेस कर रहे हैं चुनाव के टाइम में, तो जनता की जो दिक्कतें हैं उनके लिए आपने क्या किया, और आने वाली पार्टी अगर वो चाहती है आना तो वो क्या करेगी, उस पर ये बातचीत होनी चाहिए थी। हम क्या कार्यक्रम देंगे, उन्होंने क्या कार्यक्रम दिया, इस पर होनी चाहिए बात। और तो उसके बजाय हम देख रहे हैं कि लगातार जो है कहीं ना कहीं जो है उसको भटका के, और जो है इस तरह की भाषा का, देखिए तिलक जी मैं सोचता हूँ कि एक प्रधानमंत्री जी की एक गरिमा होती है, और ये जो हम आज डिबेट कर रहे हैं क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये बात कह दी, क्योंकि इस तरह की बात कहना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। आप चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो, उसके लिए आप उसको कहने का मतलब उसकी पार्टी को आप कह रहे हैं कि वो सारे मूर्ख लोग हैं, उनको जो वोट देते हैं वो सारे मूर्ख हैं, और जब आपको चौकीदार चोर कह दिया जाता है तो बड़ी आपत्ति हो जाती है, और पूरी जो है कि आप जो है कि आपके पार्टी कार्यकर्ता और पूरा कोर्ट कचहरी याद कर देते हैं पूरा का पूरा। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को भी थोड़ी सी ये इसमें सोचना चाहिए कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें, किसी को मूर्ख नहीं कहा जाता, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी जो है कि चुने हुए सांसद हैं, और उनके पीछे एक पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है वो, जितनी भाजपा है वो भी एक कानी उससे पार्टी है कांग्रेस पार्टी। तो मुझे लगता है जो हीच है और जो इलेक्शन की हीच है उसमें थोड़ा सा जो है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई और दूसरा नेता हो, उनको ये भाषा थोड़ी सी मर्यादित। लेकिन पीयूष जी कम कौन है यहाँ, क्या ये बात किसी से छुपी नहीं, ये तो अनीता जी कह रही थी कि हम तो लड्डू का डब्बा बनवा के रखे हैं, एक इनके नेता हैं शर्मा जी के मणिशंकर अय्यर, जब वो निकलते हैं बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो बीजेपी के लिए शगुन बन जाता है, इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बाहर निकलेंगे, है ना। तो यहाँ कम तो कोई नहीं है पीयूष जी की नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं मोदी जी के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि ये इस बात की शुरुआत हुई, अभी तक इस तरह कोई शब्द आया नहीं था और अचानक ये आ गया, और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, इस बात को कह रहा हूँ। अच्छा, मतलब उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। जी हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री है, जिम्मेदारी की ज्यादा। अनीता जी बात पीयूष जी सही कह रहे हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। आ रहा हूँ, देखिए पीयूष जी आप जो कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जिस बिहार पे जिस देश की उन्होंने कहा है वो बात अलग है। अब आप बताइए, आप पर कह रहे बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बराबर, लेकिन उनको ये भी तो ज्ञान होना चाहिए ना कि जो मेड इन चाइना है आज मोबाइल, हर चीज मेड इन चाइना है, हर कहाँ मेड इन चाइना है, ये आप खुद सोचिए कि मतलब एक जनरल हर एक को मालूम है कि इस समय देश में फिर सब बन रहा है और कहां से कहां देश हमारा चला गया है, आज कितनी उपलब्धियां मिल गई हैं, ये हर एक को पता है, लेकिन वो आज अपनी चाइना के प्रेम को भूल ही नहीं पा रहे हैं। आज उनको चाइना प्रेम का है, हर चीज चाइना के, उनको आज भी मतलब समझिए वो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं चाइना से, पहले भी करते थे आज भी करते हैं। अच्छा आप तो नहीं करते ना चाइना से प्रेम, एक मिनट रुकिए, एक मिनट तिलक जी,
और अनीता जी, उन्होंने ये बात कही, एक उदाहरण दिया उन्होंने, और वो उस रेफरेंस में दिया कि ज्यादातर चीजें जो हमारी जो है बाहर से आ रही है और चाइना से बहुत आ रही है। आज भी जो मोबाइल है ना वो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा इंडिया में, 2270 करीब यूनिट्स हैं जो असेंबलिंग यूनिट्स हैं, आज भी चाइना से जो है मैक्सिमम जो है कॉम्पोनेंट जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं और उसकी असेंबलिंग हो रही है। तो इनफैक्ट भारत में आज हमारे यहाँ के मोबाइल देशों में जा रहे हैं, आज हमारे यहाँ के बनाए मोबाइल बाहर जा रहे हैं, आज हमारे यहाँ की चीजें बाहर जाके दे रहे हैं। आज एक भारत बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है और भारत से चीजें बाहर आता कि हम लोगों ने दवाइयां तक बाहर भेजी है, आज चीज बाहर भेजी है। 9 साल में आप सेम देखिए, कितने पहले एयरपोर्ट थे आज कितने हैं, कितने पहले यूनिवर्सिटी थी आज कितनी है, कितने मेडिकल कॉलेज पहले थे आज कितने, मतलब आज अगर आप देखिए उपलब्धियों में तो आज हम लेकिन आज ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी उनको उपलब्धियां नजर नहीं आती है। और जहां आयुष्मान भारत देख लीजिए क्या उजला, तो उपलब्धियों पर ही चुनाव लड़ी है ना आप, फिर उसमें राम जी को भी ले आते हो, हनुमान जी को भी ले आते हो, है ना, विषय वो हो जाते, फिर आप कहते हो ये मूर्खों के सरदार है। जल्दी से पीयूष जी, नहीं तिलक जी, राम जी तो हमारे हर समय रहेंगे, हमारे साथ हमेशा राम के साथ रहे हम, लेकिन हाँ राम का विरोध करने वालों को सोचना चाहिए, जो इनकी पार्टी के लोग हैं जो राम जी का विरोध करते हैं, विरोध करते हैं सनातन का विरोध करते हैं, उस चीज को उनको सोचना चाहिए। देश राम का है, हम राम के हैं, हम जीते हैं तो राम बोलते हैं, मरते हैं तो राम का सत्य बोलते हैं, जब हमारे जीवन से मरण तक राम हमारे साथ है तो राम को कहते हैं कर सकते हैं। उन्होंने जो है चाइना का पास किया है क्योंकि बहुत से समाज कोई दोहराए नहीं, दूसरे देशों से भी आते हैं हमारे यहाँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा ओवरबोर्ड हुए हैं वो, जिसमें उन्होंने सब कुछ कहा, शर्ट भी कहा, तो शर्ट तो बहुत सी दूसरी कंपनी की भी जो दूसरे देशों से भी उनके टैग लगे होते हैं और भारत में भी बन रही है, तो थोड़ा एक्सेस किया, लेकिन जो चुनावी भाषण होता है उसमें आदमी इस तरह की जो है एक्सेस करता है, उनका मकसद था, उन्होंने कहा कि जो मध्य प्रदेश में आपको क्या दिखता है उसमें कोई ऐसा टैग लगा हुआ कि मेड इन मध्य प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश आपको याद होगा कि जो भी सरकार ने कहा था मेड इन उत्तर प्रदेश, तो वो एक चुनाव में एक उस प्राइड को, मध्य प्रदेश के प्राइड को अंडरलाइन करने के लिए उन्होंने ये बात कही है। और ये फैक्ट है कि आज तो हमारा ट्रेड है वो चाइना के पक्ष है। ठीक, मैं आपकी बात समझ गया, एक मिनट लठीदार चोर है ये कहना सही है, आज उनको क्या क्या नहीं कहा मोदी जी को, एक गरीब परिवार का लड़का अगर यहाँ तक पहुँचा है जब वो सोने का, अनिता जी एक मिनट, अनिता जी क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे, फिर वो 10 शर्मा जी भी नवाएंगे अभी, एक मिनट मुद्दे पे आते ना, सेना को छोड़ा ना, अनिता जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए फिर मैं आगे बढ़ूं, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक मिनट आपने कहा कि इन्होंने मेड इन चाइना क्यों बोला, एक मिनट, आपने कहा राहुल गांधी ने मन से मेड इन चाइना क्यों बोला, इसी बयान से नाराजगी है ना आपकी, इसी बयान से, एक मिनट अभी उसका उत्तर दे रहा हूँ, एक मिनट नाराजगी नहीं है उनका, चाइना प्रेम नजर आ रहा है, अच्छा चाइना प्रेम, अभी चाइना प्रेम पर ही आ रहा हूँ, चाइना प्रेम पर ही आ रहा हूँ, एक मिनट चाइना प्रेम पर आ रहा हूँ, वो आपका मेक इन इंडिया और एक स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया स्किल इंडिया, याद है ना मैडम अनिता मैडम, बिल्कुल चीन पर हिंदुस्तान की आत्मनिर्भरता जिसका जिक्र पीयूष जी कर रहे थे, पहले $36 बिलियन चीन पर हमारी आत्मनिर्भरता थी, आपके राज में यानी कि बीजेपी के राज में यह बढ़कर $120 बिलियन हो चुकी है, मैं गलत हूं क्या हुआ अनिता जी? देखिए मैं आप जो कह रहे हैं आप गलत नहीं हो सकते, लेकिन मैं इस चीज को पूरी तरह से मुझे इस ज्ञान में इसका देख लूंगी, चेक कर लूंगी कि कितना नहीं, तो फिर राहुल गांधी अगर आपको ये आपत्ति है फिर आप उन्हें मूर्खों का सरदार भी बोल रहे हो, नहीं मूर्खों का सरदार नहीं बोले, उन्होंने ये कहा है कि उनको इतना ज्ञान नहीं है, नहीं तो ज्ञान अभी आप तो ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं ना, अगर आप कह रहे हो कि हम जो है चीन की मुखालफत कर रहे हैं, मैडम दिवाली पर जो लड़िया जलती है वो लाइटों वाली, उसका विरोध करने से चीन का विरोध नहीं होगा, या ऐप 2-4 बंद कर दी तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि हमने चीन का विरोध कर दिया, हमारे अगर आत्मनिर्भरता $36 बिलियन से बढ़कर $120 बिलियन हो जाए तो फिर ये कौन सा विरोध हुआ हमारा चीन का, चीन से मोहब्बत कौन कर रहा है फिर, नहीं तिलक जी किसी का नाम तो वैसे देश कुटुंबों वाले किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन हाँ गलत अगर कुछ करता है तो उसको जवाब जरूर देते हैं, मैडम मेक इन इंडिया का फिर क्या हुआ, स्किल इंडिया का क्या हुआ फिर, नहीं
मैडम आप बता दीजिए कितनी जॉब्स मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया से मिली मैन्युफैक्चरिंग में। अगर हम मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया कामयाब था तो फिर 36 बिलियन से डॉलर से बढ़कर 120 बिलियन डॉलर कैसे पहुंच गए। अरे आप चेकिए हमारे लखनऊ में बन रही है, आप देखिए जहाँ जहाँ उद्योग है सब जगह बनाए जा रहे हैं, यहाँ तक तो आ गए जिस जिले का वहाँ का उद्योग मैप बनेगा। और सबसे बड़ा जितने बाहर के व्यापारी हो यहाँ के बिजनेस करना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश में चाहते हैं आज कम से कम उत्तर प्रदेश भी रोजगार कर रही है महिलाएं। विषय वही है ना मैडम, हम चीन पर कितना निर्भर हुए ना कितना आज स्वरोजगार को जितनी मान्यता दी गई है शहरी कभी दी गई हो आज जाके देखे महिलाओं के ग्रुप बनकर कितना अच्छे दीप आपने दीपक देखे होंगे कितने बढ़िया होंगे कि दीपक जो महिलाएं बनाकर मैडम फिर आप ये कह रहे हो फिर बेरोजगारी दर जो है 10% पार कैसे पहुंच गई। देखिए जनसंख्या भी तो बढ़ती है, देखिए आप सरकारी अच्छा। अपनी 2014 में फिर आपने ये क्यों कहा कि हम जो है 2 करोड़ रोजगार देंगे। नहीं तो हम सवाल रोजगार दे रहे हैं ना, हम लोग आज करके लोन दे रहे हैं रोजगार के लिए लोन दे रहे हैं। नहीं लोन दे रहे हैं आप रोजगार दे रहे हैं, मैंने ये पूछा। बिल्कुल रोजगार भी दे रहे हैं लोन भी दे रहे हैं और फिर हमने नौकरियां भी निकाली है नौकरियां भी दी गई। अच्छा ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी शिक्षा में देख लीजिए आप, सेना में देख लीजिए शर्मा जी, पुलिस में देख लीजिए आप, शर्मा जी में देख लीजिए आप, टीचर्स में सब जगह नौकरी हम लोगों ने दी है। ठीक केंद्र में मैडम कितने पद खाली पड़े हैं केंद्र में सरकारी पद खाली पड़े ना सब जानते हैं। सरकारी पद खाली होते हैं उसकी व्यवस्था होती है उस हिसाब से उनको ज्ञापन निकलता है नौकरी मिलती है। ये मुझे नहीं मैडम, वो वरुण गांधी जी को बताइएगा वो बहुत ट्वीट करते हैं इस विषय पर। चंद्रमोहन शर्मा जी ये जो मसला अखिलेश यादव जी वाला था जो बात मूर्खों का सरदार आपने कहा क्यों कहा देश के प्रधानमंत्री ने, लेकिन वही बात तो अखिलेश यादव दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि ये चालू पार्टी है इनको वोट मत करना। वो आपको मूर्खों का सरदार बोल रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप चालू हैं, तो बात तो वही कह रहे हैं ना दोनों। देखिए तिलक भाई मध्य प्रदेश के अंदर कृषि मंत्री के बेटे का 2 करोड़ नहीं 500 करोड़ नहीं 10 करोड़ के घोटाले की बात उजागर होती है और वीडियो बाहर आता है और उस वीडियो को सत्यापित करने के लिए वीडियो वाला व्यक्ति बाहर आ जाता है, लेकिन कुछ है डैश डैश सरदार जो उस पर बात नहीं करते। और एक मुझे याद आ गई जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो मेरे एक टीचर थे जो एक कहानी सुनाते थे जब हम कभी नकल की बात कर लेते थे तो कहते तुम्हारी हैसियत उस तरह से है तुम लोग वैसे हो जैसे एक जंगल में बंदर का चुनाव हुआ प्रधान के लिए और जब वापस आया वो उससे पूछा गया कि आपने काम क्या किया, बंदर ने कहा मैंने काम तो बहुत करा मैं इस डाल से उस डाल से उस डाल तक डाल पे डाल घूमता रहा लेकिन काम नहीं करा, नकल की बात के ऊपर मैंने डैश 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 करके मूर्खों के सरदार की बात करी। अरे देश के प्रधानमंत्री है मेरे, बहुत ओजस्वी है तेजस्वी है 56 इंच की छाती वाले हैं पर लेकिन कमजोर बहुत है तिलक भाई, जब वो देश की जनता को संबोधित अच्छा। करने जाते हैं तो उनके सपने में राहुल गांधी आते हैं और उनकी जबान से राहुल गांधी आते हैं जो कि आज देश के जननायक राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज किया और वो चैलेंज नरेंद्र मोदी जी हजम नहीं कर पाते इससे बार बार राहुल गांधी जी को याद करते हैं। अच्छा आप कह रहे हो राहुल गांधी उनके सपने में आते हैं, एक मिनट अनीता जी आपकी बात से अच्छा नहीं मान गया आपकी बात को, आप कह रहे हो कि भैया मुझे नहीं मालूम कि कौन किसके सपने में आता है मिलियन डॉलर का एक मिनट अनीता जी गुस्सा मत करिए प्लीज, शर्मा जी एक मिनट रुकिए ना गुस्सा मत करिए शर्मा जी एक मिनट अनीता जी एक मिनट तो रुकिए अनीता जी बोलना एक मिनट शर्मा जी एक बात तो बताइए आप ये कह रहे हो कि मोदी जी के सपने में राहुल गांधी आते हैं, एक मिनट रुकिए ना अनीता जी एक मिनट शर्मा जी का ऑडियो रहेगा अनीता जी एक मिनट, ये कह रहे हो कि भैया मोदी जी के सपने में राहुल गांधी आते हैं लेकिन अखिलेश यादव के सपने में राहुल गांधी क्यों आ रहे हैं, मेरा विषय ये था शर्मा जी। ये कह रहे कि चालू हो आप चालू शब्द अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर अपने कद के हिसाब से जिस वक्तव्य को दे रहे हैं वो एक राजनीतिक नेता एक स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स पे दे सकता है वो दे रहा है,
कद, उनका राजनीतिक कद और हैसियत मालूम है आपको? और आपको उत्तर प्रदेश में अपनी हैसियत मालूम है आपको? 2% पे आप देखिए, अभी गठबंधन के तहत कुछ कायदे हैं जिसके कारण उनका वक्तव्य हाईकमान के साथ चला और जिसके ऊपर इस चीज का पैच हुआ, और वो गठबंधन के तहत अगर स्टेट के अंदर इलेक्शन लड़ने जाते हैं कोई भी, आपने सुना नहीं जो लेटेस्ट बयान है वो ये कह रहे हैं गठबंधन बाद में देखा जाएगा, ऐसे करते हुए कहा गठबंधन बाद में, जब हमारे को इस चीज का आदेश आ जाएगा तो हम उस गठबंधन का अखिलेश जी की बात का भी जवाब दे देंगे। तिलक जी अब क्या जवाब दोगे आप? में आएगा देंगे अभी तो। शर्मा जी एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मेरे दिल में उतर गई। कहते ना कुछ बातें दिल और जहन में उतर जाती हैं। 100% उन्होंने लॉजिकल कांग्रेस से सवाल किया और उसका उत्तर आज तक कोई कांग्रेसी नहीं दे पाया। अगर आप दे पाओ तो मैं मान जाऊंगा, वो बहुत लॉजिकली, क्योंकि कुछ बातें होती है कुछ प्रवक्ताओं की बहुत अच्छी होती है, उसको ग्रहण कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई आप कह रहे हो कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 15 छोड़ी, हम 20 सीटें देने को तैयार है। मैं ये चीज सुनिएगा, आपके प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात बोली, कहा 15 छोड़िए 20 सीटें देने के लिए हम तैयार हैं। बस कांग्रेस एक सवाल का उत्तर दे दे कि हमें किस राज्य में वो 20 सीटें देगी, एक राज्य बता दे जहां पर वो हमें 20 सीटें देगी, बात खत्म। कह रहे हैं हम 20 सीटें, 15 छोड़िए 20 देने को तैयार हैं। आपकी हैसियत से ज्यादा है उत्तर शर्मा जी? उत्तर प्रदेश की हैसियत का जवाब जब इलेक्शन आएगा तब, नहीं है ना, टैक्स नहीं होगा हम देंगे। मैं दे रहा हूं जवाब, उसका दे रहा हूं। पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के जो 5 इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर कांग्रेस प्रतिस बीजेपी का इलेक्शन हो रहा है, उसके अंदर अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी अपना इलेक्शन लड़ना चाह रही है वो गठबंधन के पार है और वो लड़ रहे हैं, उसके लिए वो अपना वक्तव्य दिया। नहीं 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 नहीं, जब विषय वो कह रहे हैं कि 24 में हम 20 सीटें, हमें सिर्फ ये बता दो किस राज्य में हमें 20 सीटें दे रहे हो, लॉजिकल सवाल है। मुझे लगता है कि इससे सीधा सवाल नहीं हो सकता और बहुत शानदार सवाल है, ये लॉजिकल सवाल है ही नहीं। अच्छा, क्षेत्रीय पार्टी अगर सारे स्टेटों के अंदर 20 सीटें मांगेगी तो क्षेत्रीय पार्टी को उन सारे स्टेटों के ऊपर अपना जनाधार दिखाना होगा। आज भी कांग्रेस, आपका जनाधार उत्तर प्रदेश में क्या है? 200 आपका क्या है जनाधार? आप बिना क्षेत्रीय पार्टी बोल रहे हो, आप जहां पे उनके विधायक है वहां पे अपना प्रत्याशी उतार देते हो बिना पूछे और 1-1 बजे तक रात को खड़ा रखते हो, यह आप गठबंधन धर्म निभा रहे थे स्टेट लेवल पर? अभी गठबंधन का कोई भी, यही बात तो आप अखिलेश यादव जी को पहले समझा देते। अखिलेश यादव ऐसे बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? हाईकमान से उनकी बात ठीक, महेश जी उस वक्त पीयूषी आपके पास, एक मिनट महेश जी का ऑडियो। महेश जी मैंने गलत तो नहीं कहा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, इसमें लॉजिकल बात है। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये पूरी तरह से मुगालता पाल के चल रही है, क्योंकि अमेठी और जो अमेठी और वहाँ जो सोनिया जी जीती हैं तो वहाँ से समाजवादी पार्टी ने हमेशा इनको सपोर्ट किया, उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं दिया। और पिछले 2000 हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही कही। तो मुलायम सिंह यादव जी को तो कई आपके जो वहां के जो जिला के नेता होते थे वो बोलते थे कि मत करिए ऐसा, लेकिन फिर भी मुलायम सिंह यादव वो धर्म निभाते थे बिना गठबंधन के। ये बात शर्मा जी नोट करिए, महेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ महेश जी, प्लीज। हमने हमेशा वो धर्म का निर्वहन किया है और भारतीय कांग्रेस पार्टी ये महसूस करती है। एक्चुअली क्या है, मैंने जो कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस में इसलिए फर्क नहीं है क्योंकि वो सारे के सारे भाजपा कांग्रेसी लोग ही भाजपा में आज रूल कर रहे हैं। और देखिए जहाँ पर अभी 2-4 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, तो ये क्लियर नहीं करती कि आरएसएस से संघसेन को। लेकिन शर्मा जी कह रहे हैं आपका जनाधार उत्तर प्रदेश के अलावा है कहाँ, वहाँ बताइए हम वहाँ आपको सीट दे देंगे। नहीं हमारा जहाँ तो वो मध्य प्रदेश ही ऐसा उदाहरण है जहाँ पर हमारे कई सीटें वहाँ पे 8-8 सीटें रही है और अभी पिछले इलेक्शन में भी सीट रही है, सेकंड नंबर पर रहे, तो बहुत बड़ा विवाद नहीं था। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो बड़े आराम से। शर्मा जी यहाँ तो विधानसभा की बात थी ना, हो जाता जी विधानसभा की बात थी, 4 सीटें दे देते आप बात खत्म हो जाती। आप उनका जनाधार पूछ रहे हो, आप महेश जी जनाधार बताओ हमें। तिलक जी उत्तर प्रदेश की सीटों की गणना दूसरे स्टेटों की गणना से नहीं हो सकती, उत्तर प्रदेश की गणना एक बड़े राज्य के रूप में। तो फिर ये फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में अपने लिए रखना, फिर आप में करा जा सकता है। ये ये बात जो कह रहे हैं तो तय है, और ये तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोल दिया तो जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उसी इनका ही ट्रैक पे हम चलेंगे। उसका जवाब इन्होंने वहां हमारे पास किया है, अखिलेश यादव फॉर्मेलिटी पूरी कर दे, उनकी बात कोई अलग नहीं है। वही चीज हम कहेंगे भाई जहाँ जनाधार तुम्हारा कितना है आप उसके अकॉर्डिंग पैसा बनता है। मेरे काबिल की जो बात कर रहे हैं उसमें चाह या अन चाह कर भाजपा को सपोर्ट किसने करा था?
माननीय मुलायम सिंह यादव ने या देखा या अनदेखा किसने सपोर्ट करा था? सपा ने, कांग्रेस ने कभी भाजपा को सपोर्ट नहीं करा, भाजपा ने कराया और सपा ने करा। देखिए ये सपोर्ट की बात है, देखिए आज के हुए जाने तिलक भाई, बात यह है कि अगर कोरोना के तो बात बात चल रही है तो अभी गठबंधन के तहत में जो पार्टी का इलेक्शन होंगे उसके बाद और दो पूरे तरीके से आज भी वो राहुल जी की दिशा से वो है ना, सोनिया जी की अभी पार्टी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की दिशा सहमत है और वो आए दिन बयान देता है, वो पार्टी का प्रवक्ता भी बना रखा है, तो भारतीय उसको देखिए तो पूरी तरह आरएसएस का बना हुआ वो पुतला है, वो कांग्रेस में बहुत बड़ा लीडर बना बैठा है, वो अखिलेश जी के बारे में रोज ना कुछ बोलता है, तो ये इनको बोली लगा सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इनके दोनों का आचरण एक जैसा है, लेकिन आज के दौर में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और पीडीए को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, पीडीए पीडीए कांग्रेस भी घबरा रही है और एनडीए भी घबरा रहा है, इसलिए इन्होंने जाति गणना का और इंडिया भी घबरा रहा है शुरू कर दी। कांग्रेस पार्टी ने भी पहले तो ये उसके पक्ष में नहीं थी। नहीं ये बात मुझे महेश जी की जो बात, जो ये बदला लेने वाली बात आई ना कि जो आपने व्यवहार आ रहा हूं पीयूषी, जो व्यवहार आपने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ किया वही व्यवहार आपके साथ उत्तर प्रदेश में होगा, यह अखिलेश यादव जी समझा रहे हैं। और अगर वो वैसा व्यवहार हुआ, अगर एक मिनट महेश जी मैं समझा देता हूं, शर्मा जी जो बात महेश जी कह रहे हैं, जो इनके अध्यक्ष कह रहे हैं, तो आपके लिए रायबरेली और अमेठी लेने के देने पड़ जाएंगे, लिख लो मेरे से, गलत तो नहीं कह रहे ना महेश जी? कल तक इन्हीं की बदौलत आप रायबरेली अमेठी जीत रहे थे। इनको सोचना चाहिए, असेसमेंट कराएं उसको पूरा, उसके हिसाब से गठबंधन की बात करें। अभी पांच इलेक्शन के बाद जब गठबंधन कमेटी घटक दलों की बैठेगी उसके ऊपर चर्चा होगी। अब आए मुद्दे पर, ये पीयूषी पता क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पांच राज्यों में से अगर हमने तीन भी निकाल लिए ना तो हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। मैं समझ गया, कह रहे हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, पार्टी के सामने झुकेगी। हाँ हाँ, ये कह रहे हैं जो अभी क्या है ना, अभी फेफड़े कोरोना के बाद कमजोर हो गए थे, कोरोना के बाद अनीता जी फेफड़े कमजोर हो जाते हैं ना, ये कह रहे हैं कि जब हम डबल वैक्सीन लगा लेंगे हैं, फिर उसके बाद बताएंगे असली पहलवान कौन है। पांच राज्यों में से तीन भी निकल गए, शर्मा जी यही समझा रहे हैं शायद, नहीं पीयूष जी? देखिए तिलक जी, हाँ ये एक कटु सत्य है देखिए, और यही है पांचों राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसका यही एक चीज है कि हर पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी भी यही चाहती है, वो अपना अपनी जो कुछ सीटें वहां जीत के एक बार्गेनिंग पोजीशन में आ सके, ताकि कि इस ये जो विधानसभा सीटें हैं उसकी लोकसभा सीट हमको दी जाए, तो ये सब। और कांग्रेस चाह रही कि हम जो है कि मेन लीड में रहें, और वो नेशनल पार्टी है और वो चाहती 2024 के मद्देनजर मैक्सिमम सीटों को जीत के जो है कि वो एक बड़ी पार्टी के रूप में क्लेम कर सके। और फाइनली देखिए तिलक जी, ये मत भूलिए कि प्रधानमंत्री या कैंडिडेट कौन होगा, उस पर भी कांग्रेस की नजर है, तो निश्चित रूप से वो अपनी अपनी ज्यादा जो है मजबूती से साथ लड़ना चाहती है चुनाव। और दूसरी एक बात और मैं कहूंगा, देखिए मध्यप्रदेश के संदर्भ, हालांकि मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, और चूंकि एक प्रक्रिया चल रही है गठबंधन की, हालांकि राज्य के लिए नहीं हुआ था ये बात सही है, लेकिन जब आप पार्टनर बन गए एक बड़े उद्देश्य के लिए, तो इसमें वो उद्देश्य भी, क्योंकि इसको अगर वो कुछ सीटें दे देते तो उससे आपकी मजबूती और बढ़ती, गठबंधन की मजबूती। नहीं तो अभी भी शर्मा जी के लहजा वही है कि भैया हम पुराने जमींदार हैं। नहीं तो जमींदारी तो चली गई ना, जमींदार अब बचे कहाँ हैं? अब तो जनता किसी को जमींदार के रूप में देखती नहीं, सबक सिखा देती। नहीं, एक राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री इतने बड़े चेहरे को, जो संगठन का मुखिया हो और जो खुद एक सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री रहा हो, उसको कह दे कि भैया अखिलेश वखिलेश कौन? नहीं देखिए तिलक, ये खाई तो खुद पैदा की गई ना जी। हाँ, आप इतने बड़े, और उनको एक बजे तक आप खड़े कर रहे हो लाइन में कि भैया जो है देखेंगे। नहीं, अगर आपने वादा किया था या उनसे कहा भी था, और वो इंतजार करते रहे आप ये एक एक एक, एक गुड फेथ में, उसके बाद आपने ठेंगा दिखा दिया, ये तो बहुत गलत किया है। देखिए तिलक जी, मुझे लगता है कहीं कांग्रेस भी इस बात से तो परेशान थी कि उनका, जितनी बात में समझ पाया, फिर मैं फाइनल कमेंट अनीता जी से लूंगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात शर्मा जी ने उठाई थी। ये जो मसला है शर्मा जी, जितना हो सकता है मैं गलत हूं, जब से राहुल गांधी ने हर मंच से सबसे पूछना शुरू किया कि तुम अपनी जात बताओ, पहले आप लोगों का नारा था ना, जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, यही था ना। आज बिल्कुल इसके विपरीत मंडल कमीशन का, जैसे आप लोगों ने कहा राजीव गांधी, उसके बाद कांग्रेस उल्टी गिनती शुरू हुई थी, गलत तो नहीं कह रहा ना महेश जी? और फिर उसके बाद
आज आप कह रहे हो बिल्कुल है ना 360 डिग्री में, जैसे वो है ना एक खिलाड़ी है इंडिया टीम में, हर डिग्री में चौके छक्के मारता है। 360 डिग्री आपकी सियासत बदली, आपने कहा कि जात बताओ पहले उसके बाद बात होगी। आप तो उन्हीं का मुद्दा छीन रहे हो, लालू जी का, नीतीश जी का, अखिलेश जी का, उन्हीं का मुद्दा छीन के कह रहे हो कि नहीं हम अपना पेट भरेंगे वोट से, उन्हीं के घर में वोट की सेंध लगा रहे हो ना। विषय याद है शर्मा जी, शर्मा जी का ऑडियो। और देश के प्रधानमंत्री लगातार अपने आप को ओबीसी कहते रहते हैं, तो विषय कहां से उठा? विषय तो यहीं से उठा कि देश के प्रधानमंत्री यही नहीं बता पाए कि गरीब की जात गरीब होती है या ओबीसी होती है। अभी मेरी बहन ने भी दो बार कह दिया कि गरीब है ओबीसी है, तो ये विषय कहां से उठे? और जो ना मिले, जिसकी जितनी बड़ी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसको इसका जनाधार क्यों ना मिले? मिलना चाहिए, क्योंकि अगर 2-10 सालों के अंदर देश के अंदर प्रगति की विषाद विषय और भाजपा ये कहती है तो उस विषाद का हिस्सा जिसकी आज तीन ओबीसी अधिकारी दिखाई देते हैं, जब सत्ता में तब नहीं दिखाई देते आपको। यही बात तो अखिलेश यादव कह रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं? एक मिनट, इसकी संख्या भारी अनिता जी, हिस्सेदारी अनिता जी, क्योंकि लाइव में भी कमेंट है। एक मिनट अनिता जी, मैं इनको एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए दीनदयाल जी के समय से हम लोग कहते थे मंत्री के बेटे के पास जो आगे आना चाहिए। देखिए आपकी मानसिकता हमारी मानसिकता में फर्क समझ लीजिए, हमारी मानसिकता शुरू से रही है दीनदयाल जी के समय से। जो बात चंद्रमोहन जी कह रहे हैं, एक मिनट, उसको सबसे आगे आना चाहिए, ये हम लोग बहुत समय से कर रहे हैं। ऐसी बात कर रहे हैं, गरीब का मजाक, पूछ रहा हूँ ना, एक मिनट आपने सवाल कर दिया ना, एक मिनट अनिता जी, गरीबों का मजाक बनाया है। नहीं अनिता जी, अनिता जी, अनिता जी, अनिता जी, मजाक बनाने वाली आपकी पार्टी है। अनिता जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी के समय जी आ रही है तिलक जी। हाँ अनिता जी, एक मैं एक बार बार शर्मा जी एक मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं आपके जो कृषि मंत्री हैं तोमर जी, उनके बेटे का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो देखा आपने? नहीं मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा ना? कह रहे हैं कि पूरी बीजेपी चुप है, दो दो वीडियो पहले वायरल हुए, वो कह रहे हैं कि सब चुप हैं उसको लेकर। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो? क्योंकि मसला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। हमने नहीं देखा वीडियो। नहीं देखा आपने? आपने देखा ही नहीं? नहीं देखा हमने। आप दिखा दीजिए, आपके पास हो गया, मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, देख लेंगे। हमने नहीं देखा। भाजपा के नेता का है वो, कांग्रेस का, कांग्रेस। एक मिनट प्लीज, प्लीज शर्मा जी, आपने सवाल उठाया, आप जवाब ले लीजिए। हम क्या दीनदयाल जी के समय से हमारा ये मानना था कि जो अंतिम छोर का व्यक्ति उसको हमें आगे आना चाहिए। नहीं नहीं, जो पैसे के लेन देन की बात हो रही है, एक कैबिनेट मंत्री के बेटे पर जो आरोप लगा रहे, जो बात शर्मा जी कह रहे हैं कि उस मामले की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए गलत जो भी है उसकी जांच होनी चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो। इस पक्ष में हम रहे, हमेशा रहे, और हमारी पार्टी ने कभी किसी का तो बात नहीं। करोड़ों रुपए की डीलिंग की बात हो रही है उसमें, और वो भी एक कैबिनेट मंत्री है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? और चुनाव भी लड़ रहे हैं। एक मिनट अनिता जी, एक और विधायक है जिसके, शर्मा जी एक मिनट अनिता जी का प्लीज फोन पैच करिए, एक छोटा सा प्लीज अनिता जी का फोन पैच करिए। भाई विधायक के साथ बैठ के कह रहे हैं कि मैंने रेप करने वाले को, बलात्कार करने वाले को, चोरी करने वाले को बचाया। शर्मा जी आपके यहाँ भी नेताओं की ऐसी कमी नहीं है जो इस तरह के बयान देते हैं। प्लीज अनिता जी का ऑडियो दोबारा से कनेक्ट करिए। अनिता जी कनेक्ट करवा रहा हूँ, एक मिनट प्लीज कनेक्ट करो। अनिता जी फोन आ रहा होगा, प्लीज उठाइए आप फोन। शर्मा जी, शर्मा जी, जी आप लोग जो बार बार एक मंत्री का नाम लेकर इल्जाम लगा रहे हैं, कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? कोर्ट की अदालत में तो है ही है, जनता की अदालत के अंदर तो आवाज उठेगी है। ये बड़ा अजीब सवाल हो जाता है। हम जनता की अदालत में, ठीक है फिर जनता की अदालत में। एक मिनट, अनिता जी का ऑडियो कनेक्ट हो गया। अनिता जी प्लीज अनिता जी को दोबारा से कनेक्ट करिए, बार बार फोन डिस्कनेक्ट हो रहा है। अनिता जी आप ऑडियो आया? अनिता जी,
जी बताइए। वो बार बार फोन डिस्कनेक्ट हो रहा था। ये कह रहा हूँ कि नरेंद्र सिंह तोमर जी का जो बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसका जिक्र बार बार शर्मा जी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर इस तरह का इल्जाम उन पे लगाया है तो क्या कृषि मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखिए, हमने कहा ना, अगर ऐसा है तो जांच होगी, जब जांच सामने आएगी उसका जो भी लोग, ऐसा तो नहीं कि इस्तीफा देना चाहिए या करना चाहिए, पहले स्थिति तो हो जाए कि सही क्या है और गलत क्या है। नहीं तो आप तो कहते हो ना कि हम भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर नैतिकता के आधार पर बिल्कुल हो सकता है कि ये कांग्रेस झूठ बोल रही हो सकता है सच भी बोल रही हो, फिर जांच कैसे पता चलेगा? जांच की जाएगी ना, अगर ऐसा है, मैंने कहा मैंने वीडियो नहीं देखा है, अगर ऐसा है तो उसकी जांच होगी, अगर जो है अगर सत्यता होगी तो अपने आप सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी जब कोई आरोप सिद्ध ही नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं, तो उसको कैसे नहीं, तो आरोप सिद्ध कैसे होंगे? जब जांच होगी तभी तो होंगे ना। हाँ तो जांच होगी ना, मैं तो कहा हमारी हमारी सरकार नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर भी बिना उनसे सवाल किया जाता है तो बिना जवाब दिए चले जा रहे हैं, वो भी बकायदा वायरल हो रहा है। अब सैकड़ों करोड़ों की अगर कमीशन में जिक्र किया जा रहा है तो ये तो पार्टी पर भी डेंट पहुंच रहा है ना। नहीं, देखिए सीधी सी बात है, पार्टी पे कोई डेंट नहीं है, पार्टी के सभी लोग जानते हैं कि पार्टी बहुत ही हमारी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कोई नेताओं की पार्टी नहीं, सभी कार्यकर्ताओं की पार्टी। यानी आप ये कह रहे हो कि जांच एजेंसियां जांच करेंगी इस पे? नहीं, जांच होगी, अगर ऐसा है तो सरकार जांच कराएगी या प्रशासन जांच करेगा। ठीक, शर्मा जी जवाब मिल गया आपको, क्या सत्य होगा और जब आरोप सिद्ध होगा तो सामने आएगा। शर्मा जी वो कह रहे हैं कि सीबीआई, ईडी और आईटी जांच करेगी इस मामले की। एक मिनट शर्मा जी, बिल्कुल की जाएगी, अगर ऐसा है तो जांच होगी, इसलिए रहेंगे तो करेंगे, इसमें बिल्कुल बेफिक्र नहीं है। भूषण के ऊपर हमारी पार्टी में यही एक खासियत है, चाहे अपने भाजपा का हो चाहे किसी पार्टी का हो, गलत व्यक्ति का साथ नहीं दिया जाता, जैसी भाजपा घुमाना चाहती है। आपको आपको ना जांच एजेंसियों पे यकीन है ना कोर्ट पे यकीन है, तो शर्मा जी किया क्या जाए आप बताइए ना, ये गजब बात हो जाती है। आपको ना जांच एजेंसी पर यकीन ना कोर्ट पर यकीन, प्रदेश की जनता इस बात की जवाब देना जा रही है। अपनी बात पे अड़िग रहेगा फिर शर्मा जी, और मध्य प्रदेश की जनता ने अगर फिर से मौका बीजेपी को दिया इसका मतलब फिर क्या होगा? भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। अगर बीजेपी को फिर मौका दिया इसका मतलब क्या होगा? कि आपके इल्जाम धरे के धरे रह गए, है ना शर्मा जी? यही बात है ना शर्मा जी? ये तो 17 तारीख के बाद समझ में समझदार है, जनता जानती है। हाँ अनिता मैडम, अनिता मैडम, अब ये मुझे नहीं मालूम आपने वो वीडियो देखा नहीं देखा, आप कह रहे हो नहीं देखा तो बात ही खत्म, नहीं देखा आपने? ठीक, महेश जी कोई सर्टिफिकेट किसी तरह का? नहीं नहीं, मैं तो सर्टिफिकेट क्या है, मैं तो स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि इनका दृष्टि दोष का समस्या है, इनकी पार्टी को, इनकी सरकार को, इनको सिर्फ सिर्फ नहीं नहीं, वो कुछ पत्रकारिता का सर्टिफिकेट बांट रहे थे आप, वो कोई सर्टिफिकेट नहीं नहीं पत्रकार, देखिए आपने तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मैं व्यक्तिगत आपके ऊपर नहीं लगा रहा हूँ। नहीं मैं व्यक्तिगत व्यक्तिगत में मेरे ऊपर कोई ये सर मैंने कहा ना ये आपका ये नपना बराबर है, नपना सबके लिए बराबर है, वो वाले हम मसला नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अनिता जी, शर्मा जी, पीयूष सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी आपका भी। तो ये सियासत है, आप देखते हैं सियासत की लड़ाई कहां कहां पहुंचती है, अभी ये बयानों के तीर शुरू हुए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।